बढ़ते हैं आगे, बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने खोराबार में 3,839 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक दौर वो भी था जब जनता 5-10 लाख रुपए की सड़क बनने पर खुश होकर उसी को नियति मान लेती थी। आज एक साथ हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की शुरुआत होती है, यह हमारे सामर्थ्य को प्रदर्शित करता है, इसके साथ ही रोजगार की संभावनाओं को भी आगे बढ़ाता है। सीएम योगी मंगलवार शाम गोरखपुर विकास प्राधिकरण जूनियर की विश्व स्तरीय सुविधाओं वाली खोराबार टाउनशिप और मेडिसिटी की लॉन्चिंग 3,838 करोड़ रुपए की परियोजना का शिलान्यास लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। आज की योजनाओं में समय से बेहतरीन आवासीय सुविधा प्राप्त होना आज की आवश्यकता है। इज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सस्ते और आसान आवास प्राप्त हो सके, इंटीग्रेटेड हाउसिंग प्लान जहां पर एक साथ सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हो, यह समय की आवश्यकता है और समय की उस आवश्यकता के अनुरूप कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए आज गोरखपुर की इस नई टाउनशिप स्कीम को और मेडिसिटी परियोजना का आज यहां पर भूमि पूजन का कार्यक्रम हो रहा है। मैं इस अवसर पर गोरखपुर के सभी नागरिकों के लिए, खासतौर पर जिन लोगों को यहां पर आवासीय सुविधा प्राप्त होगी, गोरखपुर महानगर और जनपद के जिन लोगों को यहां पर बेहतरीन चिकित्सा सुविधा आने वाले समय में उपलब्ध हो पाएगी, उन सबको इस अवसर पर हृदय से बधाई देते हुए गोरखपुर विकास प्राधिकरण को इस स्कीम को लाने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। हम सब जानते हैं जो स्कीम यहां पर टाउनशिप की एक खोराबार टाउनशिप स्कीम के रूप में यहां पर लाई गई है और मेडिसिटी के रूप में भी जो योजना यहां पर आज लॉन्च की जा रही है, सौगात गरीब गुरबा खातिर, मध्यम वर्गीय परिवार खातिर, गरीब परिवार खातिर एक नया गोरखपुर। जैसे कि आप लोग समझ जान रहे हैं कि गोरखपुर इस वक्त सबसे महंगा शहर, सबसे महंगा जिला हो गया है जमीन के मामले में। यहां 10,000 रामगढ़ झील पास में है, 10,000, 12,000, केऊ 14,000, जेकर जो मन कर रहा है पैसा मांग रहा है, प्राइस चढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। जिसके पास जमीन है आज वो राजा बन गया है, अमीर हो गया है। ये पूज्य महाराज जी की दूरदृष्टि थी, बड़े सोच के महाराज जी एक आर्किटेक्चर करते हैं, पूरा एक कोरियोग्राफ किया महाराज जी ने कि कैसे इस जगह को प्लेन से, ट्रेन से, रामगढ़ झील से, सुविधाओं से, गीडा इंडस्ट्रियल एरिया से, सड़कों के जाल से, बिजली से, हर तरीके से, मेडिकल से, एम से, फर्टिलाइजर से, चीनी कारखाने से, इसको संपूर्ण रूप से इसको ऐसा जिला बना दूं कि यहां पर जमीन का प्राइस बढ़े, लोगों के पास पैसा आए, लोगों के पास रोजगार आए, लोगों के पास उद्योग आए। अब हो गई कि अगल बगल के जिला के लोग भी